नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनावों के परिणाम मंगलवार 4 जून को जग जाहिर हो गए, जहां बीते दो आम चुनावों की तुलना में भाजपा को इस बार बड़ा झटका लगा। 282 सीटों पर साल 2014 में जीत के बाद बीजेपी ने 303 सीटों पर 2019 में जीत दर्ज की, लेकिन अब की बार पार्टी बहुमत के आंकड़ों से पीछे रह गई और 240 पर ही सिमट गई। हालांकि सहयोगी दलों के साथ मिलकर एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर पाने में कामयाब रहा और 292 सीटों पर काबिज है। उसके बाद बीते रविवार की 9 जून को केंद्र सरकार का गठन हुआ, जहां प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी ने तीसरी मर्तबा शपथ ली, जिसके साथ उनकी बीजेपी और सहयोगी दलों के कई सांसदों को भी कैबिनेट राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। ऐसे में नीतीश कुमार की जेडीयू से केवल 2 सांसदों को ही कैबिनेट में शामिल किया गया है, जिसमें बड़ा नाम पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का है। बता दें कि एनडीए की बैठक में एक फॉर्मूला निकलकर सामने आया था, जिसके मुताबिक सहयोगी दलों के 4 सांसदों पर एक यहां कैबिनेट मंत्री होगा, लेकिन नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं, जिस हिसाब से वो 3 कैबिनेट मंत्रियों की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर 2 ही कैबिनेट मंत्री दिए गए हैं। इसके बाद अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी आलाकमान के फैसले से नाखुश है, जिसे लेकर वो पटना पहुंचकर लालू आवास पर उनसे यानी लालू यादव से मुलाकात कर इस संबंध में बातचीत कर सकते हैं। बता दें कि अगले साल राज्य में यानी बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है, जहां पर विधानसभा को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव अब बीजेपी के साथ लड़ चुके हैं, लिहाजा वो फिर एनडीए गठबंधन छोड़कर महागठबंधन में शामिल होंगे और बिहार के विधानसभा चुनाव वो आरजेडी के साथ महागठबंधन में ही लड़ेंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि नीतीश कुमार की यहाँ नाराज़गी जो एनडीए से हुई है, क्या ये कुछ ही वक्त में थम जाएगी या ये नाराज़गी बढ़ जाएगी, जिसके चलते वो एनडीए गठबंधन की भी चिंताएं बढ़ा देंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़।